हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का टैंक है। इसमें मेरे पास 60 विडो टेट्रा फिशेज़ हैं। अभी मैं इसके वाटर पैरामीटर चेक करने लगा हूँ एपीआई मास्टर टेस्ट किट से। ये है तो सबसे पहले हाई रेंज पीएच चेक करते हैं। ये मैंने 5 ml वाटर ले लिया इसमें और 5 ड्रॉप ऐड करेंगे इसमें केयरफुली। 1, 2, 3, 4, 5 और इसको कैप लगाएंगे और फिर शेक कर देंगे। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आपकी पीएच स्टेबल हो तो ऑलमोस्ट सब पैरामीटर ठीक होंगे। सबसे पहले पीएच पे इफेक्ट आएगा अगर आपकी कोई भी अमोनिया या नाइट्राइड या नाइट्रेट अप डाउन होंगे तो। यस, अब हम इसको मैच कर लेते हैं। कलर मैच करते हैं। ये है जी, ये 8.2 से मैच हो रहा है। लाइट ऑन कर लूँ, ये आ रहा है 8.2 के वेरी क्लोज है। और यहाँ पे मेरे पास एक आर्डविनो मीटर भी लगा हुआ है, ये वाला। इसके ऊपर 8.19 और 8.2 प्लस माइनस हो रही है क्योंकि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी मैंने दी हुई है। ये मैंने प्रॉब लगाई हुई है। जब मैंने वैल्यू रीड करनी होती है मैं मैनुअली इसमें बॉक्स में वाटर फिल कर देता हूँ और 5 मिनट के बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाती है ये। और ये बिल्कुल इससे वेरी क्लोज है, 8.2 एपीआई मास्टर टेस्ट किट के। कलर मैच हो रहा है और मीटर भी मेरा यही रीड कर रहा है, प्लस माइनस हो रहा है उसमें। और इसी के ऊपर मेरे पास टेम्परेचर मीटर भी आ रहा है। टेम्परेचर में भी मिनिमम वैल्यू 28.0 और मैक्सिमम 28.5 इन 24 आवर में। इस टाइम जून 2023 है और मेरे एरिया में एम्बिएंट टेम्परेचर नियर अबाउट 50 डिग्री होगा आउटसाइड और टू मच हॉट है। और ये मेरे पास क्वेरियम चिलर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये टैंक का टेम्परेचर 28 के अराउंड है। और मुझे कन्फर्म है कि अगर ये मेरे पास चिलर नहीं होता तो इस टाइम 35-36 डिग्री होना था इसका वाटर टेम्परेचर, और मे बी ये ग्लो टेट्रा जो है ये डेड भी हो सकती हैं अबाव 30 या 32 डिग्री से अबाव अगर टेम्परेचर होगा तो क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। अब चेक कर रहा हूँ मैं अमोनिया। अमोनिया जीरो है क्योंकि टॉप येलो कलर से मैच हो रहा है। और नेक्स्ट टाइम मैं चेक करता हूँ नाइट्राइट। स्टिल अभी 1 मिनट रहता है उसके टाइम में, लेट सी कि वेरी क्लोज है। चले हम अभी चेक कर लेते हैं। नाइट्राइट भी थैंक्स गॉड जीरो है क्योंकि टॉप कलर से मैच हो रहा है ये भी। अब मैं चेक करता हूँ नाइट्रेट। ये नाइट्रेट की वैल्यू नियर अबाउट 20 या 25 होगी मैक्सिमम क्योंकि ये ऑरेंज शेड आ रहा है इसमें, रेड बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने वाटर नियर अबाउट 10 डेज हो चुके हैं चेंज किया है और थैंक्स गॉड बिल्कुल बेस्ट है। इस पर वाटर भी मैं चेंज नहीं करूँगा। और ये जो ब्लैक कलर के स्टोन लगे हुए हैं बैक साइड पर, ये लावा रॉक स्टोन है। ये इनकी वजह से नाइट्रेट कम है। अगर ये लावा रॉक स्टोन नहीं होंगे तो नाइट्रेट लेवल हाई होगा। इसके ऊपर नेट पे भी वो स्टडी की जा सकती है। तो अभी मैं टैंक का वाटर चेंज नहीं करूँगा नेक्स्ट 10 डेज और 15 डेज। स्टिल अभी नो नीड टू चेंज वाटर। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।